हम जा रहे हैं फिर अभी ओल्ड मनाली। पहले तो मेरे को लगा था मनाली इतना खास नहीं, क्योंकि मैं नई मनाली में घूम रहा था। पुरानी मनाली में जैसे ही आया हूँ भाई, फॉल इन लव हो गया, बस पसंद आ गया भाई मनाली, ओल्ड मनाली खास हो गया। हाँ जी, आई एम पवनदीप मान, नई वीडियो और नए सफ़र में आपका स्वागत है। तो अभी मैं हूँ ISBT शिमला में, टूटीकंडी में, और यहाँ पे शाम की बस है हमारी। अभी शाम की मतलब आधे पौने घंटे में जा रहे हैं मनाली। बस की टिकट वगैरह मैंने कटा ली थी, वो मैंने इसी वीडियो पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था आपको, 590 रुपये की ऑर्डिनरी बस की टिकट मिली है। सुबह 6-7 बजे हमें पहुँचा देगी वो। यहाँ वोल्वो बसेज वगैरह भी खड़ी हैं, पर अपनी तो भाई वो है ऑर्डिनरी बस। अरे ऊपर जाने का रास्ता कहाँ गया भाई, एक मिनट, अपनी बस है ऊपर, ऊपर लगेगी। लिफ्ट भी है वैसे तो यहाँ पे, पर वो काम करती है कि नहीं ये नहीं पता। ये जो पीछे खड़ी है ये HRTC की, टाटा की ऑर्डिनरी बस है, ये जा रही है। मनाली पहुंच गए हैं, सुबह 6 बजे हैं अभी। HRTC की बस निकाल दिया। सबसे पहले तो स्नो पीक माउंटेंस दिखे भाई उधर, पता नहीं यहाँ पे दिख रहे हैं कि नहीं, ये वो रहे। तो अभी कोई स्टे का इंतजाम करते हैं, बट अभी हॉस्टल बुक किया है एक ओल्ड मनाली में है, तो वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे रेस्ट वेस्ट करते हैं। हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं, लगभग 2-2.5 किलोमीटर है, और हमारे साथ एक साथी जुड़ चुका है, काफ़ी दूर से हमारे पीछे पीछे ही आ रहा है ये। हॉस्टल हम अपने पहुंच गए थे 10-1 बजे और हमने चेक इन कर लिया था। ये कुछ हॉस्टल का बाहर से एम्बियंस है, हॉस्टल अच्छा है, और ये हमें पड़ा है 225 रुपये में। हम आए और थके हुए थे काफ़ी, तो इसलिए हम सो गए। और अभी हम लगभग 1:30-2 बजे उठे थे, फिर नहा हो के अभी तैयार हुए हैं, अभी बाहर चलते हैं। मैं आपको हॉस्टल का एक थोड़ा सा टूर दे देता हूँ। इनके पास कैंप वगैरह भी हैं और रिवर साइड है ये एकदम, यहाँ पे रिवर है ब्यास रिवर, व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ से। 225 रुपये में बिल्कुल भी बुरा नहीं है, ये यहाँ से व्यू है, ये ब्यास नदी आ रही है और इधर पहाड़ हैं। कैंपिंग वगैरह करनी हो किसी के लिए तो उसके थोड़े अलग चार्जेस हैं, यहाँ कैंप ले सकते हैं। थोड़ा हॉस्टल का रेनोवेशन का चल रहा है, ये एप्पल ट्रीज़ हैं, ये अंदर से कुछ ऐसा हॉस्टल है। बंक बेड हैं यहाँ पे, लकड़ी के बने हुए हैं, और ये दीवारें जो मड की बनी हुई हैं। हॉस्टल से बाहर आ चुके हैं, तो आज सुबह हमने लंच नहीं किया था, तो अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी पड़ी है भाई। सबसे पहले करेंगे पेट पूजा, फिर करेंगे कोई काम दूजा। ओल्ड मनाली में हमने क्लब हाउस रोड पर एक दो रेस्टोरेंट्स में और ढाबों पर पता किया था, वहाँ पे थाली के रेट थोड़े से ज़्यादा हैं। एक में 180 थे, 150 थे, 150 से नीचे तो ओल्ड मनाली में रिवर के उस साइड तो है ही नहीं। तो हम रिवर के इस साइड आए थे, यहाँ पे एक ढाबा मिला है हमें, आशीष ढाबा, तो वहाँ पे पता किया 100 रुपये का वेज थाली है, तो हमने वो मंगवाई है। अभी खाना खा लिया, खाना डिसेंट था, बढ़िया पेट भर गया। अब चलते हैं काम। यार मेरे ना चश्मे की ये डंडी टूट गई, मैंने फेविक्विक लगा के जुगाड़ किया हुआ है, तो सबसे पहले ये कोई देखते हैं जाके चश्मे की दुकान पर, ये ठीक करवाता हूँ। यार ये जो साइड में बह रही है ना, ये मनालसू रिवर है, और ये रिवर ओल्ड मनाली और न्यू मनाली को सेपरेट करती है। जो ओल्ड मनाली है वो थोड़ा अपहिल है, और न्यू मनाली से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, और जो न्यू मनाली है वो थोड़ा नीचे है। न्यू मनाली जा रहे थे तो यहाँ ओल्ड मनाली से जस्ट यहाँ से एक गेट है, वहाँ से इधर फॉरेस्ट एरिया में एंट्री होती है, तो मतलब जाना ही है वहाँ पे न्यू मनाली में, तो फिर फॉरेस्ट से चलते हैं, देखते देखते नज़ारे। ये पाथ को फॉलो करना है, बस आपने ये पाथ बना हुआ है ना पीछे, और बैठने की भी व्यवस्था है यहाँ पे, अगर रास्ते में आप बैठना चाहो, रेस्ट करना चाहो। काफ़ी सीनिक सा एक वॉक रहती है ये, ओल्ड मनाली से न्यू मनाली जाना हो या न्यू मनाली से ओल्ड मनाली जाना हो, आप इस पास से आ सकते हो। न्यू मार्केट वाली में भी लिखा हुआ है 20 रुपये एंट्री फीस है, लेकिन हम तो ओल्ड मनाली से वैसे ही आ गए थे, और यहाँ भी किसी ने कुछ पूछा नहीं, पर लिखा हुआ है अभी 20 रुपये की एंट्री फीस है, पर हमने तो कुछ नहीं दिया भाई। मॉल रोड पहुँच चुके हैं यहाँ की और शिमला की मॉल रोड की बात करें तो ये थोड़ी छोटी लगी मेरे को, शिमला वाली थोड़ी बड़ी है। और शिमला और मनाली में एक और अंतर की बात करें तो वहाँ पे ऑटोज़ नहीं मैंने देखे थे, यहाँ पे ऑटो भी चलते हैं। और एक शिमला और मनाली का सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि शिमला जो है वो पहाड़ियों पर बसा हुआ है, 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ शहर है ना, पहाड़ों पर बसा हुआ है, और जो मनाली है
ये फ्लैट सरफेस पे बसा हुआ है और इसके आसपास पहाड़ हैं, ये वैली में है, मतलब कि ये दोनों में फ़र्क है। माल रोड इतनी थी, यहाँ पे चश्मे की दुकान का पता किया, ज़्यादा चश्मे की दुकानें है ही नहीं यहाँ पे, कोई सिस्टम है नहीं। थोड़ा एक दुकान मिली थी उसमें गए थे, लेकिन वो फ्रेम के रेट ही बहुत बोल रहा है भाई, और ग्लासेस की भी बहुत बोल रहा था। फिर मैंने कहा अभी चलो कोई नहीं, ज़रूरत है तो बनवा लेते हैं, पर उसके पास फिर वो थे ही नहीं, लेंस ही नहीं थे। वो कहता अभी कल मैं मंडी से मंगवाऊँगा, सुबह 9 बजे आ जाएंगे। लेकिन फिर इतना टाइम करने वो इंतज़ार करने का क्या फ़ायदा, तो हम जा रहे हैं फिर अभी ओल्ड मनाली, एक बार इसी जुगाड़ के साथ काम चलाना पड़ेगा। अब देखते हैं, ओल्ड मनाली जाते हैं, फिर मनु टेंपल वगैरह वो देखते हैं, और थोड़ी बहुत ओल्ड मनाली की मार्केट देखते हैं। भाई लोग मिले हमें, कहाँ से भाई लोग आप? भाई हम ग्वालियर से। तो ये ग्वालियर से हैं, तो मनाली कैसा लगा भाई? एक नंबर, बड़ा प्यारा है। अच्छा, कब आए थे आप? परसों आए थे। उधर पहले शिमला गए थे। अच्छा अच्छा, शिमला ज्यादा अच्छा लगा कि मनाली? मनाली ज्यादा अच्छा लगा। मनाली माल रोड, शिमला की ज्यादा अच्छी थी। अच्छा, माल माल रोड समझ रहे हो ना? हाँ जी, हाँ माल रोड समझ रहे हो ना? हाँ, अटल टनल वगैरह गए थे? हाँ, वो कल हो गया है। अच्छा, कैसा लगा? सब बढ़िया लगा, दूसरी बार आए हूँ लेकिन तो भी अच्छा लगा। स्नो वगैरह थी? हाँ, स्नो बढ़िया, सिसु में थी, सिसु गए थे, अच्छी थी। सिसु में स्नो है? कैसे गए थे? गाड़ी लेके आए थे, करके आए थे वहाँ से, गाड़ी लेके से, तो वही पूरा। अच्छा अच्छा, तो मतलब मनाली अच्छा लगा आपको? हाँ, अच्छा है, लेकिन शिमला ज्यादा अच्छा, शिमला की माल रोड ज्यादा अच्छी थी। अच्छा अच्छा भाई, नाम तो पूछे नहीं भाई आपका? नाम सौरभ है मेरा। आपका नाम? अच्छा, तो ये भाई लोग मिले थे, बढ़िया चिल कर रहे हैं, दोनों ही आए हो आप? हाँ, नहीं, फैमिली आई है, फैमिली निकल गई आपके पास मिलने आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी यहाँ पे एक तगड़ा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। एक बंदा आया, बोला भैया कुछ चाहिए क्या? हैश, मलाना क्रीम, कोई मैरुआना वगैरह, मतलब फुल माल भूख रहा भाई और फकवा भी रहा। वापस आ चुके हैं और ये पुल आ चुका है जो अलग करता है, इधर है न्यू मनाली, इधर है ओल्ड मनाली, और ये है मनालसू रिवर। और क्या फ्लो है इस रिवर का, बड़ा ज़बरदस्त है। अब जैसे जैसे गर्मियां बढ़ेगी ना, इस रिवर का जो है लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि ग्लेशियर से बर्फ़ पिघलेगी और यहाँ पे पानी बढ़ेगा, और जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो ये रिवर का जो है वो कम होने लग जाता है लेवल। और भाई मिला अपने को, भाई है पुणे से, और कैसा लगा मनाली भाई? भाई सही, बहुत सही है, बहुत सही है। भाई सोलो ही आया है, आगे ले लू का प्लान है क्या आपका? मेरा प्लान है कसोल जाने का प्लान है। अच्छा, हम भी कसोल ही जा रहे हैं आगे। कब जा रहे हैं? हम जा रहे हैं दो दिन बाद जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ बस 7th-8th को हम जा रहे हैं, देख लेंगे अगर भाई के साथ कोऑर्डिनेशन कर लेंगे, अगर जा रहा हुआ तो साथ जाएंगे। थोड़ी देर यहाँ पुल के पास रिवर साइड पे हमने चिल किया, एक भाई और मिल गया था पुणे का, तो तीनों मिलके बातें बूते करने लग गए। ये फॉरेनर हैं, बात सही हुई है, फॉरेनर काफ़ी हैं इधर से। तो यहाँ से जैसे ही अपने पुल पार करते हैं, दो रोड आ जाती है, एक तो ये क्लब हाउस को जाती है राइट में, और लेफ्ट में जाता है मनु टेम्पल और रोकी कैफेज वगैरह। तो रोकी कैफ़े भाई ने सजेस्ट किया है पुणे वाले में भी, वहाँ जाकर आओ, और इधर कैफ़े कुफे कई हैं, देखते हैं उधर जाके आते हैं कैफ़े में। ओल्ड मनाली की वाइब भी कुछ अलग है, मतलब जैसे जैसे शाम हो रही है ना तो पसंद आ रहा है भाई मनाली, एकदम ग्रेफिटी वगैरह की हुई है जगह जगह, ये देखो यहाँ भी, और काफ़ी कुछ है। और ओल्ड मनाली थोड़ा सा सस्ता भी है, और यहाँ पे चीज़ें भी बड़ी यूनिक मिल रही हैं। मनु टेम्पल की तरफ जाते हुए काफ़ी चढ़ाई आती है, इधर सांसें फूलने लग जाती है। वैसे तो मनाली फ्लैट ही है ज़्यादातर तो, पर कई कई जगह पर चढ़ाइयाँ हैं, जैसे मनु टेंपल में चढ़ाई है। अभी ओल्ड मनाली विलेज की तरफ आ चुके हैं, यहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर गांव और घर हैं यहाँ के, देखो कितना मस्त कल्चर है भाई इनका। अभी मनु टेंपल जाएं, फिर अगर मौका मिला तो इधर भी आएंगे, दिखाएंगे आपको। वाइब अलग है भाई यहाँ की, एकदम मस्त मज़ेदार, पसंद आ गया भाई मनाली, ओल्ड मनाली खास तौर पर। न्यू मनाली तो चलो है, शहर सही है वो तो, ओल्ड मनाली का जो है भाई, कभी भी आओ ओल्ड मनाली में मत करना। ओ भाई पानी छोड़ रहा है ओल्ड मनाली ज़रूर आना भाई। तो काफ़ी चढ़ाई के बाद भाई मनु टेंपल पहुंच चुके हैं, ये मनु टेंपल के पहले दर्शन हो चुके हैं। बताया जाता है कि ये दुनिया का एकमात्र मनु ऋषि जी का टेंपल है, और इस मनाली का नाम भी मनु ऋषि जी के नाम पे ही पड़ा है। पहले इसका नाम था मनु आलय, जो बदल कर मनाली हो गया, और मनु ऋषि यहाँ पे मेडिटेशन करते होते थे बताते हैं। और मंदिर ज़्यादा बहुत ज़्यादा सुंदर है, पगोड़ा स्टाइल में बना हुआ है, यहाँ से पहाड़ों का व्यू आ रहा है भाई खतरनाक। मनाली आते हो तो ओल्ड मनाली नहीं आए ना भाई, बस ख़त्म है, मनाली आना ही ख़त्म है बस,
ओल्ड मनाली है भाई, सारा कुछ इतना पसंद आ गया, मैं तो कल वापस शाम को आने वाला हूँ भाई, मिस कर दिया मैंने इतनी देर में, क्या क्यों ही घूम रहा था वहाँ पे मॉल रोड वगैरह पे, वो तो भाई सेम होती है हर जगह, यहाँ पे आओ मस्त मजे हैं ओल्ड मनाली में भाई, गजब पसंद आ गया मेरे को, और यहाँ का आर्किटेक्चर वगैरह और यहाँ की ये सारा सिस्टम। कल शाम को वापस आएंगे ओल्ड मनाली, अभी भी जितना एक्सप्लोर होता है उतना और करके जाएंगे, वाइब खतरनाक, मतलब क्या तारीफ़ करूँ मैं भाई, मेरे मुँह पर देख लो तुम, पसंद आया भाई मनाली, शिमला से भी ज़्यादा आ गया, पहले तो मेरे को लगा था मनाली इतना खास नहीं क्योंकि मैं नई मनाली में घूम रहा था, पुरानी मनाली में जैसे ही आया हूँ भाई फॉल इन लव हो गया, बस खतरनाक है। इधर आओ मनु टेम्पल है, ये भी देखो ज़बरदस्त। मनु टेम्पल से हम थोड़ा सा आगे रोकी कैफे की तरफ जा रहे थे, तो मैंने इसकी वीडियो वगैरह भी बनाई थी, पर पता नहीं क्या हुआ माइक में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, आवाज़ नहीं आई, तो यहाँ पे हमें आंटी और मिले ये, और इन्होंने हमें बुलाया सिड्डू खाने के लिए, बड़ी स्वीट आंटी हैं, बहुत अच्छी बातें कर रही हैं, मेरे को कहते तू एकदम हिमाचली लगता है। चलो अभी सिड्डू मंगाया, मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ यहाँ का, मैंने सुना तो बहुत है, आ गया सिड्डू घी लगाया ये ऊपर से। अच्छा घी लगाया हुआ है तो एक पीस ही लाए, नहीं एक लाए ना अभी पका रहे हम, आप टेस्ट करो। अच्छा अच्छा चलो अभी टेस्ट करके देखते हैं भाई कैसा लगता है। हाँ जी तो मैं आपको कहानी बता देता हूँ, हम मनु टेम्पल से थोड़ा सा आगे रोके कैफे की तरफ जा रहे थे, और ये वाली वीडियो भी मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे माइक में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई, पहले भी आवाज़ नहीं आई थी वहाँ पे, 3-4 वीडियोस बनाई थी वहाँ पे भी आवाज़ नहीं आई, अभी ये वाली वीडियो सेम वीडियो मैंने बनाई थी 1-2 मिनट की बनाई थी, उसमें भी आवाज़ नहीं आई, ये दोबारा शूट कर रहा हूँ मैं। तो कहानी ये बताता हूँ भी हम वहाँ से जा रहे थे तो वहाँ पे आंटी हो रहे थे, उन्होंने घर में ही मतलब अपना सिस्टम बना रखा है थोड़ा सिड्डू वगैरह का और मोमोज वगैरह का, तो उन्होंने आवाज़ लगा ली भी आओ आप सिड्डू खा लो, तो सिड्डू खाने का मेरे मन में काफ़ी टाइम से था, मैंने काफ़ी सुना हुआ था सिड्डू के बारे में भी, हिमाचल की फेमस एक डिश है लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, तो उन्होंने बुला लिया, घर का सिड्डू था तो फिर जाना ही था, तो हम गए फिर वहाँ पे सिड्डू खाया हमने, सिड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी था, सोल्टी सिड्डू था, मैंने धीरे धीरे खाया क्योंकि एक नई चीज़ खाते हैं थोड़ा सा टेस्ट डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता ही है, मैंने धीरे धीरे खाया पर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, हम शायद अब डिनर भी नहीं करेंगे, तो फिर वहाँ पे हम कई देर बैठे रहे, काफ़ी अंधेरा हो गया वहाँ पे भाई, मेरी तो जान में जान से जान निकल गई थी, जब क्या मैंने देखा भाई आवाज़ ही नहीं आई थी वीडियोज़ में, फिर मैंने माइक मुइक चेक किया, अब दोबारा आवाज़ आने लगी है, इससे पिछली वाली वीडियो में नहीं आई, पता नहीं इस वीडियो में आ रही होगी कि नहीं, तो एक बार और शूट करनी पड़ेगी मेरे को, ना ही करनी पड़े भाई। तो हम रोकी कैफ़े का प्लान हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे, क्योंकि कल मैं वापस ओल्ड मनाली में आऊँगा, न्यू मनाली में भाई कुछ नहीं है, न्यू मनाली में कुछ इतना खास है नहीं यार, शहर सारे एक से ही होते हैं, ओल्ड मनाली की वाइब अलग है, ओल्ड मनाली गांव है, बढ़िया मज़े है यहाँ पे, कल देखते हैं कल शाम को वापस हम ओल्ड मनाली में आएंगे और यहाँ पे घूमेंगे, तो बस यही है, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं फिर, हाँ हाँ पीते हैं चाय, डिस्टर्ब कर दिया भाई उन्हें। हॉस्टल में आ गए थे, हॉस्टल में लाइटिंग क्या गजब की हुई है भाई, मज़ा आ गया देख के, और यहाँ पे रिवर साइड ऐसे बेंच लगे हुए हैं, रिवर की आवाज़ आ रही होगी आपको, दिख तो नहीं रही है अभी, अंधेरा हो गया, और एक बार हॉस्टल के सीन देखो आप, है ना गजब भाई, मेरे को तो अच्छा लगा, पर छोड़ना पड़ेगा कल क्योंकि महंगा पड़ रहा है, 225 में ही पड़ रहा है, महंगा तो नहीं है पर जो मिल रहा है उसके कंपैरिजन में महंगा है, कल धर्मशाला में ही जाएंगे, हॉस्टल से चेकआउट कर लेंगे, लेकिन वाई भी यहाँ की गजब है भाई। तो ये हॉस्टल के रिसेप्शन पर बैठते हैं भैया, इनको हमने पेमेंट किया अभी, क्या बोल रहे थे अभी वापस बोलना, मैं बोल रहा हूँ कि ये भाई मैंने उनसे पूछा कि ये कैब कहाँ से लिया आपने, ये बोल रहे कि शिमला से लिया है, मैं बोल बिल्कुल लोग एकदम यहाँ के पहाड़ी लोग पहाड़ी लग रहे हैं आप बिल्कुल हमारे तरह दिखे, बस टोन में थोड़ा सा फर्क है इनका, बाकी बिल्कुल पहाड़ी लग रहे हैं अपने, हिमाचली भाई लग रहे हैं बराबर। मैंने कहा था ना भाई मैं हिमाचली लग रहा हूँ भाई, कुल्लू वाली टोपी है ना, हाँ ये कुल्लू वाली टोपी है बिल्कुल जी, यही बसेरा कर लेना अपनों ने, बिल्कुल बिल्कुल और क्या यही है, चलो ठीक है भाई, जिस जहाँ पे आए उसी रंगत में रंग जाओ, सही बात है, जैसा देश वैसा, जैसा देश वैसा देश। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए सफ़र के साथ।
अभी रात के 11:30 हुए हैं, मैं बाथरूम करने आया था। काफ़ी ठंड है भाई इधर तो, बहुत ज़्यादा ठंड है, 7-8 डिग्री होगा। हमारे वहाँ तो अभी 41-42 हो रहा है राजस्थान में।